We are going to learn lesson number 1.8 reading time in class 2. So let's start. Read aloud. आपको इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है. बच्चों आप डेली स्कूल जाते हो, आप क्लासरूम में बैठते हो, तो आपके क्लासरूम में क्या क्या होता है. So we'll read. This is my classroom. मतलब बच्चों ये मेरा क्लासरूम है. अब मेरे क्लासरूम में क्या है. देयर इज अ बिग ब्लैक बोर्ड ऑन द वॉल. मेरे क्लास में एक बड़ा सा ब्लैक बोर्ड है जहाँ पे टीचर हमें लिखाती है. आवर टीचर्स राइट इट ऑन विद अ चॉक. हमारी टीचर किससे लिखाती है. चॉक से लिखाती है. चॉक से लिखती है ना बोर्ड पे. अगर हमें कोई लेसन सिखा रही, कुछ सिखा, ड्राइंग सिखा रही, तो टीचर क्या यूज़ करती है. चॉक का इस्तेमाल करती है. द टीचर हैज अ टेबल टू कीप हर बुक्स ऑन. अब क्लासरूम में क्या होता है. हमारे पास एक बड़ा सा टेबल होता है जहाँ पे टीचर अपनी सारे किताबें और बुक्स वगैरह रखती है. She also has a chair to sit on. मतलब क्लासरूम में हमारे एक चेयर होता है जिसमें टीचर अच्छे से बैठ जाती है. She is busy the whole day. वो सारा दिन बच्चों को पढ़ाती है और सारा दिन बिजी रहती है. We have benches to sit. हमारे क्लासरूम में बहुत सारी बेंचेस जिसमें हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स और क्लासमेट बैठते हैं. एंड ऑन टेबल टू कीप आवर बुक्स ऑन. हम अपने टेबल्स पे हमारी क्या रखते हैं. हमारी डेस्क पे हम क्या रखते हैं. हमारी बुक्स रखते हैं जिसपे हमें कोई नोट्स मिल, टीचर्स दिखाती तो हम अच्छे से लिख सकते हैं. आवर क्लासरूम हैज अ डोर एंड टू विंडो. हमारे क्लासरूम के कितने, एक डोर है और विंडो है. विंडो से जो हमें फ्रेश एयर हमें मिलती है और डोर से हम आसानी से हम अलग अलग क्लासों में चले जाते हैं. There are many charts on the wall. हमारे क्लासरूम में बहुत सारे हमारे क्लासरूम के जो वॉल्स पे बहुत सारे चार्ट्स बने हैं. द चार्ट डिस्प्ले चिल्ड्रंस वर्क ऑन वेरियस टॉपिक. जैसे हमने कोई भी एक्टिविटी की, कोई भी ड्राइंग किया, तो हमारी टीचर क्या करती है, हमसे हमारा चार्ट कलेक्ट करती है और वॉल पे स्टिक करवा देती है. आवर टीचर ऑल्सो शो अस शॉर्ट फिल्म सॉन्ग्स एंड स्टोरी विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्टर. और कभी कभी एक्टिविटी वाला पीरियड्स होता है तो टीचर हमारी क्या करती है, हमें शॉर्ट फिल्म दिखाती है, सॉन्ग सुनाती है, स्टोरी दिखाती है. वो भी किस पे दिखाती है, प्रोजेक्टर से, जिससे हम बहुत मज़े करते हैं. इट इज़ फन टू वॉच द फिल्म. और हमें बहुत मज़ा आता है. हम कभी कभी कार्टून मूवी देखते हैं, गेम्स खेलते हैं, तो हमें बहुत मज़ा आता है. There is a cupboard near the wall. और हमारी क्लासरूम में एक कबर्ड होता है जहाँ पे हमारी सारी बुक्स अच्छे से रहती है. We keep our material there. हम सारा मटीरियल हम अपने कबर्ड में रखते हैं. There is a dustbin in the corner. और हमारे क्लासरूम के कॉर्नर में क्या होता है, एक डस्टबिन बना होता है जहाँ पे हम सारी वेस्ट चीज़ें और रेपर्स वगैरह हम डस्टबिन में फेंकते हैं. वी कीप आवर क्लासरूम क्लीन. हम हमारी क्लासरूम हमेशा साफ सुथरी रखते हैं और हमें हमेशा अपनी क्लासरूम को हमेशा साफ रखना चाहिए. अगर हमारी क्लासरूम साफ रहेगी तो हम भी हेल्दी और अच्छे रहेंगे. तो हमें हमेशा हमारी क्लासरूम को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हमारी टीचर हमें पढ़ाती है. हमारे बहुत सारे बच्चे अच्छी एजुकेशन हासिल करते हैं. थैंक यू.